हे एवरीवन, दिस इज़ भूमिका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में। तो जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं वो तो सारी ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, और जो राइट साइड है वो थोड़ी एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं जो कि मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और हम बार बार बाहर जा नहीं सकते। तो जो पेंसिल्स थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं उन्हें मैं थोड़ी एक्स्ट्रा रख ली है मैंने। तो अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स कितने टाइप की होती है। ग्रेफाइट पेंसिल्स दो टाइप की होती हैं, एक एच सीरीज़ और एक बी सीरीज़। जो एच सीरीज़ होती हैं उसमें सारी लाइट पेंसिल्स आती हैं, यानी कि जैसे एच, 2H और 4H। अभी मेरे पास यही तीन है, आई थिंक इससे भी ज़्यादा पेंसिल्स आती हैं इसमें, बट मैं यही यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं 4H है ये सबसे लाइट पेंसिल। H लाइट होती है, 2H उससे भी लाइट होती है, और 4H सबसे लाइट होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड सीरीज़ की पेंसिल, जो है बी सीरीज़ की पेंसिल। एच सीरीज़ के बाद ये सेकंड सीरीज़ है हमारी। जो बी सीरीज़ है उसमें 2B से लेकर 10B तक मेरे पास पेंसिल्स है, इसमें सारे इवन नंबर्स हैं। तो जो 2B है वो सबसे लाइट है और जो 10B है वो सबसे डार्क है। तो ये है मेरी सारी पेंसिल्स जो मैं यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट पेंसिल्स के लिए कौन सा पेपर सूटेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको वो पेपर दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं ये कार्ट्रिज पेपर यूज़ करती हूँ जो कि लोटस का है, लोटस की स्केचबुक है मेरे पास, स्नो वाइट कार्ट्रिज पेपर, आप देख सकते हैं। तो मैं तो अभी ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने इस पर बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं, आई थिंक 1 या 2 रुपये का एक पेपर पड़ जाता है। अब हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं जो कि मैंने 1 या 2 बार यूज़ किया, इससे ज़्यादा नहीं। वो है आइवरी शीट या फिर आइवरी पेपर भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर आप कार्ट्रिज पेपर यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा रफ़ इफ़ेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप आइवरी शीट यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा स्मूथ इफ़ेक्ट मिलेगा। तो ये चीज़ पूरी तरह से आप पे डिपेंड करती है। अगर आप ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, स्मजिंग टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, तो आप आइवरी शीट यूज़ कीजिए। अगर आप रेंडरिंग टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो आप कार्ट्रिज पेपर यूज़ कीजिए। अगर आपको टेक्निक्स के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देखिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से पेपर पर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जो कार्ट्रिज पेपर है उस पर आप रेंडरिंग टेक्निक यूज़ कीजिए, वो उसके लिए बेस्ट है। वैसे तो आप उस पर कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कार्ट्रिज पेपर पर आप कोई भी मीडियम, कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट उस पर लगती है वो है रेंडरिंग। और जो सेकंड पेपर है हमारा, जो आइवरी शीट है, उस पर जो सबसे बेस्ट टेक्निक लगती है वो है स्मजिंग। अगेन आप उस पर कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्मजिंग उस पर बेस्ट लगती है। अगर आपको इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बिगिनर्स के दिमाग में सबसे ज़्यादा आती है कि ये जो ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं ये इतने सारे टाइप की क्यों होती है, क्यों हम एक ही पेंसिल का यूज़ करके, जैसे कि एक HB पेंसिल मेरे पास है, क्यों हम HB पेंसिल का यूज़ कर ही पूरी शेडिंग नहीं कर सकते, क्यों हमें इतनी सारी पेंसिल्स की ज़रूरत है, ये सवाल बिगिनर्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वीडियो में आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इन सारी पेंसिल्स का यूज़ करके शेडिंग करूँगी इस टमाटो में और आपको इनका यूज़ बताऊँगी। अब हम इस टमाटो में शेडिंग करेंगे और उसके लिए हम रेंडरिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। और एक और चीज़, जब भी शेडिंग कीजिए लाइट टू डार्क और लेयर वाइज कीजिए। तो हम इसमें लेयर वाइज और रेंडरिंग टेक्निक का यूज़ कर शेडिंग करेंगे। हम इसमें लाइट टू डार्क शेड करेंगे और सबसे पहले सबसे लाइट शेड को इसमें लगाएंगे और धीरे धीरे लाइट टू डार्क जाते जाएंगे। ये है हमारी सबसे पहली लेयर। इसके लिए हम बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करेंगे और मैं इसके लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल लाइट हैंड से शेडिंग करते जाइए। शेडिंग में बिल्कुल प्रेशर नहीं देना होता, हमेशा याद रखिएगा। इस लेयर को हम अपनी पूरी ड्राइंग में लगाएंगे। फर्स्ट टोन के बाद सेकंड टोन की तरफ चलेंगे, उसके लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ करूँगी। बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। और हम जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल प्रेशर को कम करती जा रही हूँ और पेंसिल को लाइट चला रही हूँ, क्योंकि जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसे हम लाइट रखने वाले हैं।
जो नेक्स्ट पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 10B, क्योंकि जो हमारी राइट साइड है वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है और जो हमारी लेफ़्ट साइड है वहाँ पर लाइटनेस है। ये जो डार्कनेस और लाइटनेस का खेल है वो सारा शेडो और लाइट पर डिपेंड करता है। जिस साइड लाइट पड़ेगी वहाँ पर हमें लाइट शेड्स का यूज़ करना पड़ेगा, और जिस साइड लाइट नहीं पड़ रही यानी कि उसकी अपोजिट साइड, वहाँ पर शेडोज़ होगी और शेडोज़ की वजह से ऑब्जेक्ट अपने आप डार्क हो जाता है। हम अपनी शेडिंग को राइट टू लेफ़्ट और लाइट टू डार्क कर रहे हैं, इसलिए जो अब मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो है 8B, और अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी 6B, जिससे कि अपने आप लाइट टू डार्क इफ़ेक्ट बनेगा। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी शेडिंग को लाइट करते जा रहे हैं। अब हम बाकी एरियाज़ में भी सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। मुझे पता है कि आप बिगिनर्स हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि कहाँ पर लाइटनेस करनी है, कहाँ पर डार्कनेस करनी है, हमें कैसे पता लगेगा। अभी मैं तो ये अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पर लाइट शेड करनी है, यहाँ पर शेडो है तो यहाँ पर डार्क शेड करनी है। लेकिन जब आप शेडिंग स्टार्ट करें तो आप एक रेफरेंस फ़ोटो साथ में रखें। आप अज्यूम करके शेडिंग मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, आप कहीं से कॉपी कीजिए, कहीं से आप देखिए, देखकर रेफरेंस फ़ोटो में से अपनी फिर बनाइएगा, और धीरे 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 आपको ये शेडो और लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ हमारी शेडिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और अब कुछ एरियाज़ जहाँ पर लाइटनेस या फिर हाइलाइट्स की ज़रूरत है वहाँ पर हम हाइलाइट्स कर देंगे। मैं एक मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ जो कि अप्सरा का है। ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल या फिर चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं तो। तो गाइज़ ये थी हमारी पूरी वीडियो ग्रेफाइट पेंसिल्स के ऊपर, कितने टाइप की होती हैं, इतने टाइप की क्यों होती हैं, क्या टेक्निक, कौन सा पेपर, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।